हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट किचन गार्डन। बच्चों, आज हम किचन गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, क्या आपको पता है किचन गार्डन किसे कहते हैं? किचन गार्डन वो होता है जो हम अपने घरों में खाली स्पेस में हम सब्जियां उगाते हैं, उस जगह को हम क्या कहते हैं? किचन गार्डन कहते हैं। तो आज हम किचन गार्डन के बारे में पढ़ेंगे। लेट अस बिगन। हियर इज़ ए स्मॉल पोएम ऑन हाउ अ लिटिल गर्ल इन्जॉयज ईटिंग वेजिटेबल्स। यहाँ पे एक छोटी सी पोएम दी गई है जिसमें कि एक गर्ल कैसे वेजिटेबल खा रही है और इन्जॉय कर रही है। यम्मी वेजीज। लिटिल गर्ल ईटिंग समथिंग यम्मी, यस सम टेस्टी वेजिटेबल्स ब्रॉट होम बाय मम्मी। लिटिल गर्ल कुछ खा रही है तो लिटिल गर्ल क्या रिप्लाई देती है? यस, मैं कुछ टेस्टी वेजिटेबल्स खा रही हूँ जो मेरी मम्मा घर पे लेके आई हैं। पम्पकिन, ब्रिंजल एंड बीटरूट, ऑनियन, लेमन एंड मशरूम, कैरेट, कैबेज एंड बीन्स, पोटैटो, टोमेटो एंड पीस, दे आर सो गुड एंड हेल्दी टू ईट। ये जो वेजिटेबल्स हैं, ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, वो बहुत ही अच्छे होते हैं, वो हमें खाने चाहिए क्योंकि वो हेल्दी होते हैं। बच्चों, आप लोग भी ग्रीन वेजिटेबल्स खाते हैं जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, जैसे कैरेट है, वो हमारी आँखों के लिए बहुत अच्छा होता है, तो हमें ग्रीन वेजिटेबल्स खाने चाहिए। नाउ आंसर दिस क्वेश्चंस। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसका आंसर आपको फिल करना है। सबसे पहले, माई फेवरेट वेजिटेबल इज़, आपका फेवरेट वेजिटेबल कौन है उसके नाम लिखने हैं। आई लाइक इट वेरी मच बिकॉज, क्यों वो फेवरेट है वो उसके बारे में लिखना है। माई मदर कुक्स माई फेवरेट वेजिटेबल एटलीस्ट अ वीक, आपकी मम्मा आपका जो फेवरेट वेजिटेबल है वो कितनी बार एक हफ्ते में बनाती है। माई मदर बाइज वेजिटेबल्स फ्रॉम, कहाँ से खरीदती हैं आपकी मम्मा वेजिटेबल्स उसके बारे में लिखना है। क्लियर स्टूडेंट्स? डू यू नो दैट वी कैन ग्रो हेल्दी वेजिटेबल इन आर होम्स। क्या तुम बच्चों, क्या तुम जानते हो कि हम जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं वो हम अपने घरों में भी उगा सकते हैं। वी कैन ग्रो देम इन अवेलेबल स्पेस इन आर होम। हम इनको अपने घरों में जो जो स्पेस होता है उसमें हम उगा सकते हैं। अ गार्डन वेयर वी ग्रो वेजिटेबल्स एट होम इज़ कॉल्ड किचन गार्डन। एक गार्डन जहाँ पे हम वेजिटेबल्स घर में वेजिटेबल ग्रो करते हैं, उगाते हैं, उसको क्या कहते हैं? किचन गार्डन कहते हैं। अ किचन गार्डन इज़ द मोस्ट एंशियंट टाइप ऑफ गार्डन। जो किचन गार्डन है वो सबसे ज़्यादा पुराना गार्डन का एक प्रकार है। वेन पीपल ग्रो देयर ऑन वेजिटेबल इन एंड अराउंड देयर लिविंग स्पेस दे डेवलप अ किचन गार्डन। जब पीपल अपने घर के चारों तरफ खाली स्पेस में वेजिटेबल उगाते हैं तो हम वहाँ पे क्या करते हैं? एक किचन गार्डन को डेवलप करते हैं। सो किचन गार्डन्स आर आल्सो कॉल्ड होम गार्डन्स। तो किचन गार्डन को हम क्या कहते हैं? होम गार्डन्स भी कहते हैं। क्विक चेक। आर किचन गार्डन डेवलप्ड इनसाइड द किचन्स। क्या किचन गार्डन जो होता है वो हम किचन के अंदर डेवलप करते हैं? इसका आंसर क्या होगा? नो, हम किचन के अंदर नहीं करते हैं। व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ए किचन गार्डन? किचन गार्डन का दूसरा नाम क्या है? होम गार्डन्स। ठीक है बच्चों, यहाँ पे देखिए दिया हुआ है, ये होगा इसका आंसर। अ किचन गार्डन कैन बी डेवलप इन विलेज, टाउन, इन अ सिटी। किचन गार्डन को हम गांव में, टाउन में और सिटीज़ में डेवलप कर सकते हैं। बट अ किचन गार्डन इन अ विलेज वी विल बी डिफरेंट फ्रॉम अ किचन गार्डन इन अ टाउन और सिटी। जो गांव में किचन गार्डन होते हैं वो सिटी और टाउन से बिल्कुल अलग होते हैं। अ विलेज होम गार्डनर हैज़ मोर लैंड फॉर डेवलपिंग द गार्डन। विलेज के जो होम गार्डनर होते हैं, जो माली होते हैं, वो उनके पास बहुत सारा लैंड होता है किचन गार्डन डेवलप करने के लिए। सो ही कैन यूज़ फार्म इम्प्लीमेंट्स इवन द होम गार्डन। इसलिए वो जो होम गार्डन होता है उसमें भी वो जो खेत में औजार यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं। अ सिटी होम गार्डनर डज नॉट हैव अ वास्ट लैंड लाइक द विलेज होम गार्डनर। जो सिटी के गार्डनर्स होते हैं उनके पास बहुत ज़्यादा लैंड नहीं होते जैसे गांव के गार्डनर्स के पास होते हैं। सो ही हैज़ टू ट्राई हार्ड अ प्रोड्यूस एज मच एज पॉसिबल ऑन ए स्मॉल पीस ऑफ लैंड। इसलिए उनके पास जो छोटी सी एक लैंड होती है उसमें ही जो पॉसिबल होता है वो उगाते हैं।
बट अ सिटी होम गार्डनर हैज़ सम एडवांटेज, लेकिन जो सिटी के होम गार्डनर्स होते हैं उनके कुछ फ़ायदे भी होते हैं। ही कैन गेट वाटर एंड मैनोअर फॉर हिज प्लांट्स ईजीली, उनको उनकी प्लांट्स के लिए वाटर और जो खाद होते हैं वो आसानी से मिल जाते हैं। देयर आर प्लेसेस इन अ सिटी वेयर वी कैन गो एंड गेट एडवाइस अबाउट हाउ टू प्रोटेक्ट हिज प्लांट्स। सिटीज़ में ऐसे जगह भी होते हैं जहाँ पे आप जाके ये एडवाइस ले सकते हो कि आप अपने प्लांट की कैसे देखभाल करें। देयर आर सम सिटी होम गार्डनर हु डेवलप देयर गार्डन ऑन द रूफ। कुछ ऐसे सिटीज़ हैं जहाँ पे सिटीज़ हैं जिसमें होम गार्डनर जो होते हैं वो किचन गार्डन रूफ पे छत पे उगाते हैं ऑन और इन देयर बरांदा और बरांदा में उगाते हैं। सच गार्डनर आर कॉल्ड रूफ और बरांदा गार्डन। ऐसे गार्डन को क्या कहते हैं, रूफ गार्डन और बरांदा गार्डन कहते हैं। दीज होम गार्डनर्स जनरली ग्रो वेजिटेबल्स इन बॉक्सेस पॉट्स एंड अदर सच स्ट्रक्चर लाइक दैट। ये जो गार्डनर्स होते हैं वो वेजिटेबल्स बॉक्सेस में पॉट्स में और दूसरी चीज़ों में उगाते हैं। वेदर इन अ विलेज और टाउन एनी वन कैन इन्जॉय डेवलपिंग अ गार्डन लाइक दिस। वी कैन ईजली ग्रो फ्रेश वेजिटेबल इन आर किचन गार्डन्स। हम ईजली अपने फ्रेश वेजिटेबल अपने किचन गार्डन में उगा सकते हैं। आर गार्डन फ्रेश वेजिटेबल हेल्प अस टू ईट बैलेंस्ड डाइट। जो हम गार्डन में फ्रेश वेजिटेबल्स उगाते हैं वो हमारी बैलेंस्ड डाइट में हेल्प करती हैं। दे आल्सो टेस्ट बेटर देन द वेजिटेबल्स परचेज फ्रॉम द मार्केट एट अ हायर कॉस्ट। ये जो वेजिटेबल्स होते हैं वो जो हम बाहर से मार्केट से परचेज करके लाते हैं महंगे दामों में, उनसे ज़्यादा अच्छे होते हैं, टेस्टी होते हैं। लेडीज़ फिंगर और ओकरा, ब्रिंजल्स, टमाटो, कोरिएंडर, ग्रीन चिलीज एंड मिंट आर सम वेजिटेबल्स दैट कैन बी ग्रोन ईजिली इन अ गार्डन किचन गार्डन। जैसे भिंडी हो गया, ओकरा हो गया, ब्रिंजल हो गया, टोमेटोज हो गए, कोरिएंडर्स हो गए, ग्रीन चिलीज हो गए, मिंट हो गए, ये सब हम अपने किचन गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं। तो बच्चों, आपके भी घर में थोड़ा बहुत स्पेस होगा, आपके पेरेंट्स उसमें किचन गार्डन बनाए होंगे, तो उसमें हम जो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स होते हैं उनको हम आसानी से उगा सकते हैं। और ये वेजिटेबल्स हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं और ये हमें अच्छे से खाना चाहिए। बच्चों, आप अभी इस आप चैप्टर को 2 से 3 बार पढ़िएगा।